हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा अपने यूट्यूब चैनल होम शेफ भवानी किचन में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा टिंडे की सब्ज़ी, और ये सब्ज़ी हमने बहुत ही सिंपल मसालों के साथ बनाई है जो हमारे किचन में बहुत इजीली मिल जाते हैं, और इनके लिए हमें कोई बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सब्ज़ी है बिल्कुल झटपट तैयार हो जाती है, और इसकी ग्रेवी भी बहुत टेस्टी बनती है, और इसके अंदर जो मसाला हमने फिल किया है वो भी बहुत झटपट तैयार हो जाता है। बच्चों को भी इस तरीके से मसाले वाली सब्ज़ी बहुत पसंद आती है, भरवा सब्ज़ी उनको बहुत जल्दी पसंद आती है, और इसकी ग्रेवी भी उनको पसंद आएगी। बनाना शुरू करते हैं, और ये एक बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ भरवा टिंडे की सब्ज़ी, जो आप बहुत आराम से ईजीली बना सकते हैं, बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी, और बच्चों को बहुत इजीली टिंडे खिला भी सकते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमने जो मसाला बनाएंगे ग्रेवी के लिए और टिंडे में भरने के लिए, तो मैंने यहाँ पे दो प्याज लिए हैं, और एक छोटा टुकड़ा अदरक का है, दो टमाटर हैं, और कम से कम 7-8 कलियाँ लहसुन की लिए हैं। और हम प्याज और लहसुन को एक साथ चॉप कर लेंगे बारीक बारीक, और टमाटर और अदरक का पेस्ट मिक्सी में बना लेंगे। तो यहाँ मैंने ये टिंडे लिए हैं, 1/2 किलो टिंडे लिए हैं मैंने, कुछ मैंने छील के रख लिए हैं और कुछ मैं आपको छील के दिखा रही हूँ, देखिए किस तरीके से मैं, और मैंने इनको धोकर अच्छे से पोंछ लिया है, और अब हम इनका छिलका छीलेंगे। तो हमें इस तरीके से ऊपर से कट करना है, और चक्कू से बिल्कुल पतला पतला छिलका ऊपर से उतारना है। आप चाहें तो चक्कू से खुरच कर भी इसको छील सकते हैं, पर आप इस तरीके से भी छीलेंगे तो ये बहुत इजीली छिल जाएंगे। और ये जो मैं टिंडे हैं ये हमें बिल्कुल सॉफ्ट नहीं लेने हैं, थोड़े से हार्ड हो, और इनको इस तरीके से सभी टिंडों को छील कर पानी में अच्छे से एक बार फिर से धो लेंगे। धोने के बाद में ये देखिए हमने धोकर और इनको पोंछ कर अच्छे से, फिर हम इनके बीच में एक चीरा लगाएंगे। चीरा मैं देखिए आपको लगा के दिखाती हूँ, इस तरीके से हमें चीरा लगाना है, और चीरा हमें आधा जो टिंडा होता है उससे थोड़ा सा नीचे तक लगाना है, नीचे से हमें उसको पूरा कट नहीं करना है। इस तरीके से हम इसको चीरा लगाएंगे दोनों साइड से, ये देखिए 4 पीसेस हो जाएंगे, पर ये तो नीचे से चिपके हुए रहेंगे ताकि इनमें नीचे से मसाला ऐसे रुका हुआ रहे। ये इस तरीके से हम इनको सभी को चीरा लगा लेंगे। टिंडों में चीरा लगाते समय ध्यान दें कि नीचे से थोड़ा सा जुड़ा रह होना चाहिए, बिल्कुल कट ना हो जाए, क्योंकि हम उनको फ्राई करेंगे तो फिर वो टूटने का डर रहता है। तो अब हम यहाँ पे अपना टिंडों में भरने के लिए मसाला तैयार कर रहे हैं, और यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी, कढ़ाई में मैंने कम से कम 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है, और इसको अच्छे से गर्म किया है। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, और साथ में जो हमने प्याज और लहसुन का चॉप किया था बारीक बारीक, पेस्ट नहीं बनाया मैंने, सिर्फ उसको चॉपर में चॉप किया है, वो मैं कम से कम यहाँ पे मैंने 2-3 चम्मच छोटी चम्मच वो चॉप प्याज और लहसुन डाल दिए। अब मैं इसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ ताकि ये इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए, कच्चापन निकल जाए। और ये देखिए हमारे प्याज और लहसुन फ्राई हो चुके हैं, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 2-3 चम्मच टमाटर का, और अदरक का जो मैंने पेस्ट बनाया था मिक्सी में वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और अब इसमें मैं साथ के साथ मसाले ऐड करूँगी। मसाले में मैं ले रही हूँ यहाँ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच से कम मैंने कुटी लाल मिर्च ली है, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, और 1.5 चम्मच ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ सौंफ का पाउडर। इसमें भरवा टिंडे में सौंफ का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप इसको ज़रूर डालें। और 1/2 चम्मच से ज़्यादा मैंने थोड़े से लिए रेड चिल्ली पाउडर, ये छोटी चम्मच है, तो ये कलर के लिए लिया है मैंने। और 1/2 चम्मच नमक। अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हमारे मसाले जले नहीं इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, पानी डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
फ्लेम हमें गैस की लो ही रखनी है मसाले डालते समय भी और मसाला पकाते समय भी। ये देखिए हमारा मसाला तैयार हो चुका है, मैंने इसको लगभग 5 मिनट के लिए तक पकाया था हिलाते हुए। और अब इस मसाले को मैंने एक प्लेट में निकाल कर थोड़ा ठंडा होकर हम टिंडे के अंदर इस तरीके से भरेंगे चम्मच से। देखिए ये आराम से भर जाता है इस तरीके से टिंडों को खोल कर, और उसके सेंटर में हम इस मसाले को डाल देंगे, ये आराम से अंदर तक चला जाता है। और दूसरी साइड से भी हम इसको ओपन करेंगे और इस तरीके से हम चम्मच से डाल देंगे अंदर की तरफ चम्मच से पुश करते हुए। इसी तरीके से हमने अपने सारे टिंडे भर लिए हैं और ये देखिए कितने अच्छे से भर गया मसाला हमारा। क्योंकि मसाला अगर अंदर तक अच्छे से भरा होगा तभी हम लास्ट में जब टिंडे तैयार हो जाएंगे वही सब्ज़ी हमारी हर एक बाइट पर वो मसाले का टेस्ट अच्छे से आएगा। तो इस थोड़ा सा टाइम लगेगा पर टिंडे अच्छे से अंदर तक मसाला हमारा भर गया। ये देखिए हमारे सभी टिंडे तैयार हो चुके हैं मसाला भर के, और ये हमारा कुछ मसाला बच भी गया टिंडे भरने के बाद, इसको हम सब्ज़ी में यूज़ कर लेंगे। और अब मैंने यहाँ पे टिंडे फ्राई करने के लिए सरसों का तेल रख दिया कढ़ाई में, और ये अच्छे से पक भी गया है, गर्म भी हो गया है, कलर इसका लाइट हो गया थोड़ा सा। अब हम इसमें एक एक करके अपने टिंडे फ्राई करेंगे। और टिंडे जो है हमें जिसमें मसाला हमने भरा है ऊपर चीरा लगाया है उसको ऊपर की साइड रखना है, और नीचे की साइड में जो बंद साइड है उसको नीचे की साइड रखना है तेल में। और बिल्कुल फ्लेम हमें डालते समय जब हम टिंडे डालेंगे तो गैस की फ्लेम लो होनी चाहिए, और जब हमने उसमें टिंडे डाल देंगे उसके बाद फ्लेम ना ही ज़्यादा लो और ना ही ज़्यादा हाई, मीडियम हीट पर होनी चाहिए। अब इस तरीके से हम एक अभी हम इसको टच नहीं करेंगे, धीरे धीरे नीचे से पकने देंगे, फ्राई होने देंगे। टिंडे फ्राई करने में थोड़ा समय लगता है तो इसीलिए हम थोड़ा सा इसको ढककर भी पकाएंगे ताकि ये भाप में अच्छे से गल जाएं, अंदर तक स्टीम पहुंच जाए इनके। और ये देखिए मैंने थोड़ी देर प्लेट हटा के देखी, इनको पलट उलट पलट करके सेक लिया है मैंने। जो इसमें छोटे छोटे टिंडे थे वो जल्दी गल गए थे तो वो मैंने पहले ही निकाल लिए, और अपने जो बाकी के टिंडे बचे थे तो मैंने बीच में ही ऐड कर दिए थे, उनको भी मैंने ढककर पका लिया है। तो ये मेरे सभी टिंडे जो हैं अच्छे से पक चुके हैं, और लगभग मैंने 60-70% तक टिंडे ही अभी मैंने तेल में फ्राई किए हैं, बाकी हम ग्रेवी में अपने पकाएंगे। और ये थोड़े से फ्राई होने के बाद जब अंदर तक गल जाते हैं, हीट पहुंच जाते हैं, तो इनका मुंह थोड़ा सा ओपन हो जाता है, ऊपर से फैल जाते हैं ये। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि ये ज़्यादा गले नहीं, ज़्यादा फैल जाएंगे तो मसाला इनका पूरा निकल जाएगा, तो इसीलिए हमें फ्राई करते समय सिर्फ 70% ही टिंडों को फ्राई करना है। अब मैंने जो बचे हुए तेल में अपनी प्याज और लहसुन का जो मैंने चॉप किया था चॉपर में वो मैंने डाल दिया अपना बाकी का मसाला। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे और इस थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा इसका, उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे अपने। तो इसको इस तरीके से हिलाते हुए प्याज को भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए। प्याज हमारा यहाँ पे फ्राई हो गया तो हमने यहाँ पे अपना टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया है, टमाटर और अदरक का। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इस तरीके से इनको हिलाते हुए टमाटर और प्याज को अच्छे से मिक्स करने के बाद, और इसमें हम अपने मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और यहाँ पे हम 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ले रहे हैं, स्पाइसी होती है ये, अगर आप स्पाइसी नहीं खाते तो स्किप कर दें। 1/2 चम्मच से कम मैंने यहाँ पे नमक लिया है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। और 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर लिया है ये मैंने, ये स्पाइसी नहीं होती है। 1/2 चम्मच गरम मसाला। अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये मसाला हमारा पक चुका है, तेल अलग हो गया है,
तो इसमें हमने पानी ऐड कर दिया। पानी ये वही है जो हमने ग्रेवी बनाई थी, मसाला बनाया था टिंडे में भरने के लिए। तो ये मसाला थोड़ा सा रह गया था कढ़ाई में लगा हुआ, तो मैंने उसमें पानी डालकर अच्छे से हिलाकर वो पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है मसाले वाला। साथ में मैंने जो टिंडे में भरने वाला मसाला बचा था वो भी मैंने इसी मसाले में ऐड कर दिया है। और अब हमने इसको अच्छे से बॉईल करके एक बॉईल आने तक पका लिया है। आपको इसमें अगर ग्रेवी रखनी है तो उस हिसाब से पानी डालें, क्योंकि इसमें ये ज़्यादा ग्रेवी वाले नहीं बनते हैं टिंडे, ये थोड़ी हल्की फुल्की ग्रेवी ही इसमें अच्छी लगती है। फिर ज़्यादा पतली तरी हो जाएगी तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। अब मैंने इसमें एक एक करके अपने सभी टिंडे ऐड कर दिए और इनको मैं थोड़ी देर ढककर पकाऊंगी, क्योंकि हमने फ्राई किए थे टिंडे वो 70% फ्राई किए थे, बाकी 30% हम इस तरीके से ढककर पकाएंगे ग्रेवी में। टिंडे हम जब ग्रेवी में डालेंगे तो उनका जो चीरा वाला हिस्सा है वो ऊपर रखेंगे, और जो जिसमें कट नहीं लगा उसको नीचे की साइड रखना है, ताकि जो मसाला ऊपर भरा हुआ है वो निकल ना जाए। और हमें लगभग मैंने 5 से 7 मिनट के बीच इसको पकाया है। और ये देखिए हमारे टिंडे बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, और अब हम इनको देखिए एक प्लेट में सर्व कर रहे हैं। कितने सुंदर इनका कलर है, टेस्टी है ये। आप इस तरीके से भर के टिंडे बनाना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस तरीके से बनाए हुए टिंडे जिसमें हल्की हल्की ग्रेवी भी है, और ये बिल्कुल सूखे भी नहीं लगेंगे, ग्रेवी वाले टिंडे हैं, और ये बच्चों को बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि बच्चों को ऐसी हल्की हल्की ग्रेवी वाले मसाले वाले टिंडे अच्छे लगते हैं। तो आप एक बार बच्चों को इस तरीके के टिंडे बनाकर ज़रूर खिलाना, वो टिंडे ज़रूर खाएंगे, उनको पसंद आएंगे। और ये देखिए कितने देखने में लजीज लग रहे हैं, टेस्टी लग रहे हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे एक बार।